सकता है। शिवाय यही बजा लो जितना बजाना है, घर पे नहीं बजाने देंगे हम। ओहो यही बजा लो जितना बजाना है, घर पे नहीं मिलेगा बजाने को, यही बजा लो। सो हे एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 20 दिसंबर का व्लॉग। उस दिन मिठी लोगों के स्कूल में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था, बच्चों ने बहुत सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पे न्यू झूले वगैरह भी लगे हैं, तो इसमें भी बहुत इन्जॉय किया। और मिक्की माउस बाउंसी वगैरह लगा, तो उसमें भी बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने। और इसी दिन से ही विंटर वेकेशन इन लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, तो इन लोगों को सब होमवर्क भी मिल गया है, काम भी मिल गया है सारा, तो सारी चीज़ें इन लोगों की स्टार्ट हो गई हैं। अब डायरेक्ट इन लोगों का स्कूल जनवरी में ही ओपन होगा, तो अभी इन लोग बीच में इतनी सारी छुट्टियां हैं, मिलना नहीं है जल्दी किसी से, जल्दी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूल का होता है तो स्कूल में तो डेली मिलने को मिलता है, बट अभी स्टार्ट हो गए हैं वेकेशन, तो जल्दी मिलने को नहीं मिलेगा। और विंटर्स भी बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड इसी टाइम पर ही पड़ती है। अभी तक तो नॉर्मल वाली थी, बट अभी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा वाली, फॉग वाली। तो जितने ही घर से बाहर निकलो उतने ही ज़्यादा कोल्ड वगैरह होने का डर रहता है, तो दैट्स वाई बच्चे ज़्यादा बाहर निकलेंगे नहीं। और निकलेंगे भी तो फिर पूरा अच्छे से कपड़े वपड़े पहनकर, ऐसे क्या होता है स्कूल जाते हैं ध्यान तो दिया जाता है, फिर बच्चे क्या होते हैं ना कैप नहीं लगाते हैं, स्कूल जाना होता है तो फिर हवा लगती है, फिर खांसी होती है, कोल्ड होता है, सब होता है, इसलिए स्कूल का वेकेशन स्टार्ट हो गया है। घर पर रहेंगे या फिर जाएंगे भी तो हम लोग साथ में जाएंगे, तो हम लोग तो पूरा अच्छे से प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि नहीं कैप भी लगाना है, ग्लव्स भी पहनने हैं, मास्क भी लगाना है, तो ऐसा छुट्टी तो हो ही रही है और अच्छे से अब इन्जॉय भी करेंगे। सो इस व्लॉग में 2-3 दिन के व्लॉग मैंने ऐड किए हैं, बिकॉज अभी व्लॉग बीच में मैंने व्लॉगिंग ज़्यादा की नहीं है। ये 20 को इन लोगों के वेकेशन स्टार्ट थे, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी। जो गिफ्ट मिला था इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा, सारे बच्चे एक साथ बजा रहे थे, क्योंकि एक होता तो एक से ही इतना ज़्यादा शोर हो जाता है, बट सारे के सारे एक साथ बजाने में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और अभी तो इन्जॉय कर रहे हैं, फिर इन लोगों का कुछ लोगों ने लेकर रख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए, तो कुछ लोगों ने लेकर रख लिया था। मैंने भी बोला था जितना बजाना है अभी कर लो, अभी शोर कर लो, घर में ना फिर बहुत ज़्यादा तेज होता है। यहाँ पे क्या है कि ओपन एरिया है, तो बच्चे एक साथ बजा रहे थे तो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं लग रहा था, बट एक ही बच्चा अगर घर में अगर बजाता है ना तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ही ज़्यादा, सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि उसको तोड़ दो या फेंक दो कहीं। मैंने तो बोल दिया था जितना बजाना है यहाँ बजा लो, घर में बजाना है तो टेरेस पर जाके आराम से बजाना। और हाँ, मिठी ने इतना बजाया अभी, और फिर उसके बाद वो खुद ही भूल गई, उसको खुद ही बोरिंग लगने लगे कि मम्मा ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो थोड़ा बहुत बजाया ऑलरेडी उनके पास में एक था मिठी के पास में, तो उसने उठा के रख दिया था। और अभी ये लोग झूले एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, इनके डैडा इनको अच्छे से बैठा रहे हैं, कह रहे अच्छे से बैठो क्योंकि आगे का बैठने में ना थोड़ा रिस्क होता है। अभी ये है शाम का ब्लॉग। एवरीवन हाय, अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं बर्थडे में, ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं सिंपल से रेडी हुई हूँ, बिकॉज बर्थडे पार्टी है, दैट्स मैं सिंपल से रेडी हुई हूँ, सिर्फ लिटिल बिटिल मेकअप किया है एंड थोड़ा सा मैंने इयररिंग्स आज डाल लिए हैं, इयररिंग्स मैं जल्दी वेयर नहीं करती हूँ, बच्चे भी आज पहन लिए हैं मैंने, और आलू नहीं भूल लिया, हाँ अकेले अकेले आलू को बना लिया, खा लिया चटनी के साथ, बहुत अच्छी लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी आलू, चटनी भी लेके आए, टेस्टी लगती है। और मिट्टी पीछे है बिजी, वो दिखाती हूँ मैं एक बार, वो देखो पीछे मिट्टी, ये रही जैनी, यहाँ जैनी को मैं छोड़ूंगी अपने घर पे, वहाँ से मम्मी लोगों को पिक करूँगी, देन हम लोग चलेंगे यहाँ से पार्टी में। और गिफ्ट्स आ गए, गिफ्ट्स कहाँ हैं, एक गिफ्ट ये है इसके अंदर रखे हुए हैं, दो गिफ्ट, अरे वो फिसल गए यार, स्लिप हो गए बेचारे, उसको भी नाना गुंडी का एक दो गिफ्ट बांध दो और उसमें बांध दो, ये फिर भी स्लिप तो होता ही है, इस वाले पीछे मेरे पीछे बांध दो, वो उधर जाए ना, बांध दो बस, एक गिफ्ट ये है, दिख नहीं रही हूँ, ये डैडा ये बैठे हैं, हम लोग दिख ही नहीं रहे अंधेरे में, हम लोग बने हुए हैं अंधेरे में, हम लोग दिख नहीं रहे, तो बस अब जल्दी से पहुँचने का लिए हो रहा है कि जल्दी से पहुँच जाए, अगली हो क्या वो
जाएगा। चलो तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, श्याम बाबा का पार्ट था तो श्याम बाबा की गानों की आवाज़ आ रही होगी। चल रही है पापा मम्मी के साथ में और मैं पीछे पीछे, आगे चल के मिलाते हैं। दरबार में आरती होने जा रही है। तो ये है मासी के बेटे के बेटी का था बर्थडे, तो एकादशी थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे श्याम बाबा का पाठ रखा गया था। तो एकादशी के दिन पड़ गया तो ये बहुत अच्छी बात थी। हम लोग वहाँ गए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि हम लोग तो थोड़ा लेट से पहुँचे थे बिकॉज पार्ट तो दोपहर से ही स्टार्ट हो गया था, बट हम लोग थोड़ा लेट से पहुँच पाए थे। यहाँ पे हवन हुआ था और मम्मी यहाँ पे मिट्टी के साथ में प्रसाद ले रही थी, तो यहाँ पे छोटी सी क्लिप मैंने पीछे से ले ली। सब लोग लाइन से ले रहे थे प्रसाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, तो सभी लोग एक एक करके ले रहे थे। और मिट्टी यहाँ पे खड़ी हुई है मम्मी के साथ में, और ये श्याम बाबा के साथ में। मम्मी की छोटी सी क्लिप मैंने पीछे से ले ली थी कि मैं ऐसे जगह पर खड़ी थी कि मेरी मम्मी का फेस और श्याम बाबा का फेस एक साथ आ रहा, तो मैं यहाँ पर कही थी पिक्चर्स क्लिक करा लो मम्मी। तो मिट्टी भी खड़ी हुई है आगे, तो मम्मी यहाँ पर पोज दे रही हैं, पीछे पापा भी हैं आई थिंक। और फिर बाद में हम लोगों ने लिया, उसके बाद में हम लोगों ने ऊपर आए डिनर के लिए, और डिनर में थोड़ा बहुत खाया हम लोगों ने। तो श्याम बाबा का सबसे पहले प्रसाद खाया हम लोगों ने, ऊपर प्रसाद भी रख दिया गया था, केक भी रख दिया गया था, सारी चीज़ें रख दी गई थी। इसे ये सही रहा कि हाँ जिसको जो लेना है वो ले सकता है। तो मिट्टी की कैप नीचे हो गई तो मैं कैप ठीक कर रही हूँ, मम्मी पीछे बात कर रही हैं, गेस्ट लोग आए हुए थे सभी से। तो अभी हम लोगों की पार्टी हो गई है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। थोड़ा मैं दिखा लूँ अपने आपको, मैं दिख नहीं रही थी, अब मैं दिखी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ बाहर, और वहाँ से मैं दिख नहीं रही हूँगी अभी भी, पूरा साफ क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। मैं निकल रही हूँ बाहर, चलते हैं बाहर, चल के मिलते हैं। पाव खड़ी है, देख रही है, वेट कर रही है। मम्मी चलो, चलते हैं अंदर। यहाँ पे मम्मी श्याम बाबा के जो हवन हुआ था वहाँ की भस्म लेकर आई थी, तो वही मिट्टी को लगाया था यहाँ पर, तो मिट्टी वही दिखा रही थी। और मम्मी से मैं बोल रही थी, मम्मी पीछे बैठी, मम्मी हाय करो, मम्मी हाय कर रही हैं, सब लोग पीछे बैठे हैं। और घंटा घर अपन, घंटा घर
घंटाघर अपन घंटा ये कोई स्टेशन वाली रोड है। यस मैं रहता हूँ। आप घंटा घर में रहती हो? घंटा घर रहती हो? दिस इज माय चाइल्डहुड रोड है ना। आप घंटे को रहती हो? मैं आईटी में रहती हूं। एक टाइम तो जब डेली निकलना बैठना हुआ करता था। एक टाइम है कि मैं दो मंथ बाद आती हूं। अब इनको बताओ ये देसी है कि पहाड़ी है। बेटा यहाँ से यहाँ पे मिट्टी शोर करते हुए चल रही थी, बातें करते हुए चल रही थी, सबसे बात कर रही थी कि मैं ये हूँ, आप लोग ये हो, ऐसा है वैसा है, तो यही सारी बातें करते हुए चल रही थी। बिकॉज मिट्टी को अगर मम्मी पापा मिल जाते हैं ना तो उसको बस सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे वही वो बहुत हैप्पी होकर चल रही है। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये हम लोग आए थे 23 को यहाँ पर, तो ये है 24 का। 23 को हम लोग आए थे यहाँ पर और ये 24 का व्लॉग मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में संडे था 24 को, तो हम लोग आए थे यहाँ कुछ काम से। ये है कैंट एरिया और यहाँ पे बहुत सारे लॉन वगैरह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस वगैरह हैं, रिजॉर्ट वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये कानपुर से जो लोग रहते होंगे वो लोग जानते होंगे ये एरिया कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो ये तो कैंट में है ये वाला एरिया सबसे फर्स्ट नंबर पे, ये वाला सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है ये वाला। उसके बाद और भी सारे बने हुए हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, कुछ काम था। और मम्मी है, पापा लोग पहले आ चुके हैं, मम्मी पापा यहाँ पे पहले आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आई हूँ अभी। तो मम्मी पापा यहाँ पे पहले आ चुके हैं, तो मिट्टी मैं भाई मम्मी सब लोग आए हुए हैं और कुछ काम था इसीलिए आए हुए थे। और काफ़ी अच्छा है और पूरा अंदर तक भाई ने पूरा ब्लॉग बनाया था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट नंबर पर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और कुछ बात कर रहे थे अंकल यहाँ पे बैठे हुए थे, इनको हम लोग जानते हैं पहले से और जिनका ये है उनको भी हम लोग जानते हैं। तो बैठे हुए थे कुछ बात कर रहे थे किस लिए है ये, मैं आगे के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा। और क्या बस ये छोटू सा व्लॉग है, ज्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं है और काफी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। व्लॉग मैंने छोटा सा ही बनाया। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।